नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है बिहारी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नेहा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में पशुपालन विभाग में बंपर भर्ती, एक्शन में डीजीपी आलोक राज, पुलिसकर्मियों को दिए 6 मूल मंत्र। छठ और दिवाली पर घर आने वाले लोगों के लिए चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन। बिहार में मंकी पॉक्स और डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। भारतीय टीम में राहुल द्रविड़ के बेटे को मिली जगह। अब खबरें विस्तार से। बिहार में पशुपालन विभाग निकालेगी बंपर भर्ती। बिहार में पशुपालन विभाग पशु चिकित्सकों की बहाली करने वाली है। ये भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए पशु चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातक डिग्री और उससे अधिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को पहले लिखित परीक्षा पास करना होगा, फिर इंटरव्यू के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। इसके लिए पशु चिकित्सक नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। पशु और मत्स्य विभाग के अनुसार 2 माह में नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर दिया जाएगा, जिसके बाद नए प्रावधानों के अनुसार इन चिकित्सकों की बहाली की जाएगी। पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी ने कहा कि पशु चिकित्सकों की नियुक्ति नियमावली जल्द ही फाइनल हो जाएगी। संशोधित नियमावली के आधार पर पशु चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। एक्शन में डीजीपी आलोक राज, पुलिसकर्मियों को दिए 6 मूल मंत्र। बिहार में डीजीपी का पदभार संभालते हुए आलोक राज एक्शन में देखे। इसी के साथ उन्होंने पुलिस को 6 मूल मंत्र दिए। आलोक राज ने कहा कि ये 6 मूल मंत्र सांसे है, समय, सार्थक, संवेदनशील, शक्तिशाली, सत्यनिष्ठा, स्पीडी ट्रायल। इसके आधार पर पुलिसकर्मी काम करें। उन्होंने कहा कि समय से मेरा मतलब ये है कि कम समय में जितना काम होगा पुलिसिंग उतनी अच्छी होगी। आप जो भी कार्रवाई करें वे सार्थक हो। पुलिसकर्मी को पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। इसके अलावा आपको शक्तिशाली होना होगा। आप जितने मजबूत होंगे अपराधी आपसे उतना ही खौफ खाएंगे। एसपीडी ट्रायल के जरिए अपराधियों को सजा दिलाएं और इसके अलावा सत्यनिष्ठा से काम करने के लिए डीजीपी ने अपील की है। बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का टेबुलेशन रजिस्टर अब ऑनलाइन होगा उपलब्ध। बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का टेबुलेशन रजिस्टर अब ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। बता दें कि अब एक पोर्टल से राज्य के 9,263 स्कूल जुड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक 2025 तक पूरी तरह ये पोर्टल काम करने लगेगा। इससे राज्य भर के स्कूलों को सेंटअप परीक्षा के साथ ही उसका रिजल्ट बोर्ड को प्राप्त हो जाएगा। इससे बोर्ड आगे की कार्रवाई कर सकेगा। बता दें कि अब रिजल्ट घोषणा के साथ ही स्कूल प्रशासन खुद अपने रिजल्ट का आकलन कर पाएंगे। बता दें कि पहले मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट घोषित होने के 1 महीने से 1.5 महीने के बाद बिहार बोर्ड की ओर से स्कूलों को TR की हार्ड कॉपी भेजी जाती थी। ऐसे में स्कूलों को लंबा इंतजार करना होता था। छठ पर्व और दिवाली पर घर आने वाले लोगों के लिए चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन। दिवाली और छठ पर बिहार आने वालों के लिए एक स्पेशल बस चलाई जाएगी। इसके लिए एडवांस बुकिंग 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। बता दें परिवहन निगम द्वारा दिल्ली से आगरा और लखनऊ होते ही पटना जाने के लिए 2 बसें चलाया जाएगा। इसमें एक बस सीटर होगी और दूसरी स्लीपर होगी। इन बसों के लिए किराया भी निर्धारित कर दिया गया है। पटना से दिल्ली जाने वाले स्लीपर बसों का किराया 1,995 रुपये है, लेकिन इस पर आपको 15% की छूट दी जाएगी, जबकि दिल्ली से पटना आने वाली बस में कोई छूट नहीं रहेगा। बता दें कि पटना से ये बसें गोपालगंज, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा होते हुए गाजियाबाद बस डिपो तक जाएगी। वहीं पटना से अलग अलग जिलों के लिए खुलने वाली बसों के फेरों में भी वृद्धि की जाएगी। बिहार में मंकी पॉक्स और डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बिहार के तमाम जिलों में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें बिहार के पटना, दरभंगा, गया हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों पर विशेष नज़र रखी जाएगी। इन तीनों एयरपोर्ट पर संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी। हालांकि बिहार में अभी तक मंकी पॉक्स का कोई मरीज नहीं आया है। इधर राज्य में डेंगू के मरीजों में इजाफा को देखते हुए सभी जिला वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी को सतर्क कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक सह मलेरिया के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने सभी जिला वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी को मच्छर का लार्वा सैंपल संग्रह कर जांच कराने के लिए कहा गया है। साथ ही लोगों को जागरूकता कार्यक्रम चलाने का भी निर्देश दिया गया है।
1989 बैच के आईएएस अमृत लाल मीणा होंगे बिहार के अगले मुख्य सचिव। बिहार के मौजूदा मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे। ऐसे में बिहार में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति होनी है। तो अब मुख्य सचिव आईएएस अधिकारी अमृत लाल मीणा बनाए जा सकते हैं। अमृत लाल मीणा को केंद्र सरकार उनकी मौजूदा पद से मुक्त करते हुए शनिवार को बिहार भेज दिया है। वे अब तक केंद्रीय कोयला सचिव के रूप में काम कर रहे थे, तो ऐसे में बिहार के अगले मुख्य सचिव बनने का रास्ता जो है साफ हो गया है कि अमृत लाल मीणा ही मुख्य सचिव बनेंगे। उनके नाम की अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। बिहार के गया में बनेगा दुनिया का 7 अजूबा। अब बिहार आने वाले पर्यटक दुनिया के 7 अजूबों को देख पाएंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग ने गजब का प्लान बनाया है। बता दें कि चीन के दीवार, आगरा के ताजमहल, गीजा का पिरामिड, इटली का रोमन कोलोसियम, जॉर्डन का पेट्रा, ब्राजील का क्राइस्ट द रेडीमर, पेरू का माचू पिच्चू की प्रतिकृति बनवाने का निर्णय पर्यटन विभाग ने लिया है। इसके लिए बोध गया के पास सिलौंजा का चयन किया गया है और इसके लिए पर्यटन विभाग ने 14,85,00,000 रुपये की दी है। बता दें कि यह प्रतिकृति 40 एकड़ में बनाया जाएगा। इसको बनाने के लिए 2 साल का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के स्कूलों में 1 से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा पोषण माह। बिहार के तमाम प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय में 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान एनीमिया, वृद्धि निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी, पढ़ाई भी, सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि और पारदर्शिता लाने के लिए तकनीक का उपयोग, पर्यावरण संरक्षण, पोषण को प्रभावित करने वाले क्षेत्र और सामूहिक जागरूकता पर मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्र ने कहा कि इसके लिए सभी स्कूलों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। हर गतिविधि की रिपोर्ट भी भेजनी होगी। रोटरी क्लब द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। पटना के कंकड़बाग पीसी कॉलोनी के ई सेक्टर पार्क में रोटरी क्लब द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम ब्रेन एंड स्पाइनल इंजरी सेंटर और पैथ लैब के सहयोग से आयोजित किया गया था, जिसमें पीठ दर्द, रीढ़ की हड्डी की समस्याओं से संबंधित मामलों के लिए परामर्श प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में संयोजक रोटेरियन डॉक्टर सुजीत कुमार, पीडीजी रोटेरियन डॉक्टर राकेश प्रसाद, अध्यक्ष रोटेरियन राजकिशोर सिंह, रोटेरियन अजीत कुमार सिन्हा, पीपी रोटेरियन शंभुनाथ सिंह, रोटेरियन नीतीश मिश्रा, रोटेरियन निरंजन कुमार, पप्पू सिंह और संगीता कुमारी शामिल थे। राज्य के 2611 शहरी टोपलैंड या विवादित मौजों पर नहीं होगा सर्वे। राज्य के शहरी असर्वेक्षित टोपोलैंड या विवादित 2611 मौजों की जमीन का सर्वे नहीं होगा। बता दें कि प्रदेश में कुल मौजों की संख्या 45,749 है। इनमें से 43,138 मौजों में सर्वे शुरू नहीं हुआ है। विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि सभी मौजों में ग्राम सभा का आयोजन अगले एक सप्ताह में करने का निर्देश दिया गया है। अभी 5,612 मौजों में तेरीज लेखन का काम चल रहा है। साथ ही बंदोबस्त पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिलों के अंचलों में बने शिविरों का स्थान, शिविर प्रभारी का नाम एवं मोबाइल नंबर स्थानीय अखबारों में प्रकाशित करवाएं, ताकि आम लोगों को उन्हें ढूंढने में परेशानी ना हो। लोगों से कहें कि सौ घोषणा निदेशालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जा सकता है। प्राइवेट स्कूलों का 16 सितंबर तक नहीं करवाया रजिस्ट्रेशन तो भरना होगा 1,00,000 जुर्माना। बिहार में 20,000 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे प्राइवेट स्कूलों पर अब बिहार सरकार शिकंजा कसने जा रही है। शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों को चेतावनी दी है, अगर 16 सितंबर से पहले इन स्कूलों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो 1,00,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने सभी जिले को निर्देश दिया है कि वे स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई करें। मिथिलेश मिश्र ने बताया कि बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी प्राइवेट स्कूलों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आवेदन की तिथि बढ़ी। एमबीए और एमसीए की खाली सीटों पर 1 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन।
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-26 के लिए पीजी सेल्फ फाइनेंस एमसीए विलीस के खाली सीटों के भरने के लिए नामांकन आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया है। वैसे छात्र जिनका नामांकन पहले के आवेदन पत्र में किसी त्रुटि के कारण नहीं हो पाया, छूट गया है या रद्द हो गया है, तो वे अपने यूजर आईडी और लॉगिन के माध्यम से विश्वविद्यालय के नामांकन पोर्टल पर जाकर त्रुटि में सुधार कर सकते हैं और छूटे हुए अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हुए इस राउंड में भाग ले सकते हैं। लिए 31 अगस्त से 1 सितंबर तक का मौका होगा। छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष प्रोफेसर ए के नाग ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया के बाद 2 सितंबर को विश्वविद्यालय की ओर से महाविद्यालय वार 5वां मेरिट राउंड नामांकन की मेधा सूची जारी होगी। इसके आधार पर 4 सितंबर को नामांकन किया जाएगा। पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण में आ रही सभी बाधाएं हुई दूर। अभी हाल ही में सीएम नीतीश ने पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण को लेकर काम तेजी से चल रहा है। दरअसल बीते दिन दिल्ली से आई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने सिविल एनक्लेव के लिए अधिग्रहित 52.18 एकड़ जमीन का अक्षांश देशांतर आधारित तकनीकी सर्वे किया है। इस दौरान करीब 3000 डाटा प्वाइंट का संग्रहण किया गया है, जिससे एयरपोर्ट निर्माण कार्य में तेजी होने की उम्मीद अब और भी बढ़ गई है। डीएम कुंदन कुमार भी तकनीकी सर्वे के दौरान मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण में आ रहे सभी परेशानियों को दूर कर लिया गया है, जल्द ही इसके निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। अशोक चौधरी के बयान पर जदयू नेता नीरज कुमार का पलटवार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी खुले मंच से भूमिहारों पर जमकर गर्जे। उन्होंने कहा कि जहानाबाद में जेडीयू उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की हार की वजह जो है भूमिहार है। इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहारों को धमकी भी दी। अब इसके बाद जदयू के नेता नीरज कुमार ने अशोक चौधरी के उस बयान पर पलटवार किया है और कहा कि अशोक चौधरी को ये बताना चाहिए कि जिस कटिहार संसदीय क्षेत्र के वे प्रभारी थे, वहां जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी की हार कैसे हो गई। दुलाल चंद गोस्वामी तो अति पिछड़ा वर्ग से ही आते हैं। नीरज कुमार ने कहा कि अशोक चौधरी को अपना परफॉर्मेंस बताना चाहिए, ना कि समाज को जाति के नाम पर बांटना चाहिए। भारतीय टीम में राहुल द्रविड़ के बेटे को मिली जगह। भारतीय टीम के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ को भारतीय टीम में जगह मिल गई है। बता दें कि समित द्रविड़ ऑलराउंडर हैं और वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम के साथ खेलते नजर आएंगे। सितंबर अक्टूबर महीने में ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम भारत आएगी। इस दौरान भारतीय और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच मल्टी फॉर्मेट सीरीज खेली जाएगी। शनिवार को बीसीसीआई ने टीमों का ऐलान भी कर दिया है, जहां समित को वनडे और 4 दिवसीय मैचों में जगह मिली है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि मोहन वर्मा, रोहित यादव, रवि कुमार राम, उमेश ऋषिदेव, नौशाद रजा, मोहम्मद शाकिर हुसैन, संजीव कुमार, गुनर शर्मा, दीपक कुमार, सपना कुमारी, राम बाबूदास, अर्जुन राम, सिकंदर कुमार, रूपा कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में अब तक हुए डीजीपी में आपको सबसे अच्छा कार्यकाल किनका लगा। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।